बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने लेना है 2 टेबलस्पून्स ऑफ राइस। अगर आपके पास कच्चे राइस हैं तो उससे इफ़ेक्ट्स और भी अच्छे आएंगे। अब हमने अच्छे से वॉश कर लेना है, मैंने वॉश कर लिए हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी का ऐड करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा फेस मास्क कह लें इसको, बहुत ही इजी है ये, आप आसानी से घर पे इसको बना सकते हैं। अब हमने इसको बॉईल करना है, चावलों को अच्छे से पका लेना है। चावल जो हैं वो हमारे पक चुके हैं, तकरीबन 99.9% ये डन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करें। अगर ग्राइंड नहीं हो रहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, उससे एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, 4 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कर लें, इससे ज़्यादा आप ऐड ना करें। अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। चलिए जी, हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑफ वाटर ऐड किया था। अब हम इसको छान लेंगे। ये बहुत थिक होता है लेकिन स्पून चलाने से आसानी से इसका जो पेस्ट होता है वो नीचे आपके कप में निकल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट ही लगते हैं इस पर। आपने बस इसको इसी तरह से छान लेना है, चम्मच चलाते जाना है, और आपको जो स्मूथ सा पेस्ट होगा वो नीचे आपका चला जाएगा और जो ऊपर बड़े पीसेस होंगे राइस के वो ऊपर रह जाएंगे। बस हमें एक स्मूथ सा पेस्ट ही चाहिए राइस का। राइस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं स्किन वाइटनिंग में, ये बहुत ही अच्छे से स्किन को वाइट करते हैं और स्किन को बहुत ही फ़ायदा देते हैं। और भी स्किन वाइटनिंग के अलावा भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। ज़्यादातर जो हम प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं उसमें यही चीज़ें यूज़ होती हैं, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए। अब हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, बस ऐसे ही पेस्ट हमें चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सेकंड इंग्रेडिएंट जो कि है मिल्क। आप चाहें जो भी मिल्क यूज़ करें, 2 टेबलस्पून्स हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल लोशन की तरह होता है ये। अब हम इसमें 3rd इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। 3rd इंग्रेडिएंट हमारा है कोकोनट ऑयल। 1 टीस्पून हमने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड किया है। 4th इंग्रेडिएंट हमारा है ऑलिव ऑयल। 1 टीस्पून हमने ऑलिव ऑयल का ऐड किया। अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि सारी जो चीज़ें हैं ये एक जान हो जाएं। बहुत ही स्मूथ सा लोशन टाइप का आपका पेस्ट बन जाए। अब हमने इसको अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। आप चाहें इसको अपने हाथों पे यूज़ करें, अपने फेस पे यूज़ करें, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि हमारी स्किन थोड़ी सी डार्क है आप वहाँ पे इसको यूज़ कर लें। आपने बस सिंपली इसको थिक लगाना है, आपने बहुत ही पतला नहीं लगाना, भर भर के आपने लगाना है इसे।
ठीक है, इससे आपकी स्किन एक उसमें वाइटनिंग आएगी। फर्स्ट यूज़ में थोड़ा सा आपको फ़र्क लगेगा, सेकंड यूज़ में उससे ज़्यादा लगेगा, थर्ड यूज़ में उससे ज़्यादा आएगा फ़र्क। इसी तरीके से अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे हफ्ते में 2 मरतबा, तो आपके जो स्किन टोन है वो काफ़ी हद तक लाइट हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें जो ऑयल्स यूज़ हुए हैं वो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, और सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। ये यूज़ करने से आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई एंड डल नहीं होगी, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।